Hello friends, welcome to General Studies for Mains, and we'll be analyzing the Hindu and PIB for 3rd July. तो 26 जून और 1 जुलाई से लेकर जो हिंदू का एनालिसिस था उसका वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो आप वो लिंक फॉलो कर सकते हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं. आज से हम PIB एनालिसिस वीकली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पर देखेंगे. द हिंदू एनालिसिस के साथ ही हम PIB में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको भी कवर करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से. आज इकोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल था जो बिजनेस रिव्यू वाला पेज आता है द हिंदू का, उस पर एक आर्टिकल था द राइजिंग क्लाउड ऑफ म्यूचुअल फंड. जैसा कि आप इसकी हेडिंग से समझ पा रहे होंगे, जो इस आर्टिकल की थीम थी वो म्यूचुअल फंड्स के अराउंड थी. तो इस आर्टिकल में जो मोटी मोटी बातें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए रखी गई वो सबका मैंने एक क्रक्स बना दिया है. तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया कि जो टोटल एसेट्स हैं जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो टोटल एसेट्स जो मैनेज करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स हैं वो टोटल 19.5 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स जो हैं वो इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं. ये पिछले 5 साल में 3 गुना हो गया है. जो ये 19.5 लाख करोड़ की फिगर है ये पिछले 5 साल में 3 गुनी हो गई है. एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा किन की वजह से हुई है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से हुई है. मतलब जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से ये इतना जो हाई लिमिट है वो आ सकी है. तो आप आजकल टीवी पे काफ़ी ज़्यादा ऐड भी आती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, ठीक है. तो जो इससे 5 से 6 साल पहले आज तक क्या होता था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो FPI होते हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू ज़्यादा पैसा आता था, ठीक है. लेकिन इससे मार्केट में अनसर्टेनिटी होती थी. लेकिन क्योंकि FPI इन्वेस्टर्स का क्या होता है, जहाँ पर उन्हें बूम दिखता है वहाँ पर वो पैसे डाल देते हैं, ठीक है. और जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि इकॉनमी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है या इकॉनमी डाउन होने वाली है तो वहाँ से वो पैसा निकाल लेते हैं. उनके इस एकदम से पैसा लाने और एकदम से पैसा ले जाने की वजह से जो मार्केट में अनसर्टेन कंडीशंस जो है वो प्रमोट होती हैं. तो ये किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं रहता. तो अब अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो घटेंगी, ठीक है, तो उससे इकोनॉमी को फ़ायदा क्या होगा. क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो इकोनॉमी कंट्री का ही पार्ट है, जो इंडिविजुअल लोकल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं. तो पैसा इकोनॉमी से एकदम से आएगा या जाएगा नहीं, ठीक है. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, अक्टूबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो 39,979 करोड़ रुपीज़ विड्रॉ कर गए. अगर नॉर्मल कोई सिचुएशन होती तो अगर इतना पैसा एकदम से विड्रॉ होता है तो इकोनॉमी को एक बार झटका लगता है, स्टॉक मार्केट थोड़ी डाउन आ जाती है. लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सिर्फ BSE पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो सिर्फ 1% का था. जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पे जो इम्पैक्ट पड़ा सिर्फ 1% का इम्पैक्ट पड़ा. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जितने के फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे जितना उन्होंने पैसा निकाला, जितने के उन्होंने शेयर अपने बेचे, उतना ही म्यूचुअल फंड वालों ने फर्दर खरीद के इन्वेस्ट कर दिया पैसा. तो वो कंडीशन सेम हो गई, ठीक है. तो और म्यूचुअल फंड जो हैं, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो म्यूचुअल फंड्स टुडे आल्सो कॉर्नर 10.4% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट इशुएंस इन इंडिया टुडे. डेट इशुएंस इन इंडिया टुडे का क्या मतलब है, अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, अलग अलग रिटेलर्स लोग पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड को, ठीक है. तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. तो वो उस पैसे को सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते, वो उस पैसे से डेट भी देते हैं कंपनीज को जिन पे उनको इंटरेस्ट मिलता है. और फिर वो जो उस इंटरेस्ट पे प्रॉफिट होता है वो अपने सारे जो भी उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं. तो 10.4% जो आउटस्टैंडिंग डेट इशुएंस है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू है. लेकिन आज भी जो बैंक डिपॉजिट है उसमें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैंक में पैसा डालना प्रेफर करते हैं. क्योंकि हमारे देश में जो मिडिल इनकम का आदमी है उसके पास पैसा कम है, तो वो सोचता है कि मैं, एक तो अवेयरनेस भी कम है म्यूचुअल फंड में, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा फंस जाएगा, ठीक है. तो बैंक्स को म्यूचुअल फंड्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, कि वो इनकम बढ़े इंडिया में, जिसकी वजह से वो अपने आप को, जो लोग हैं वो बैंक में कुछ पैसा रख के अपने आप को सेफ फील कर सकें और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा हो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें. तो ये क्रक्स था इस आर्टिकल में. उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर पे बड़े दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, ठीक है. पिछले हफ्ते भी कोई ना कोई आर्टिकल आ जाता था क्योंकि टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस चल रहा है हमारे यहाँ इंडिया में. तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं. क्यों टेक्सटाइल सेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है.
हम दूसरे नंबर पे आते हैं चाइना के बाद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। और जो हमारे क्लोथिंग और एक्सपोर्ट हैं, अब इशू ये है कि हम दूसरे नंबर पे तो आते हैं लेकिन जो हमारे क्लोथिंग एक्सपोर्ट हैं वो सिर्फ 0.9% बढ़े हैं मार्च 2017 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में सिर्फ हमने 0.9% की ग्रोथ की है, ठीक है। और जो 75% यूनिट्स हैं वीविंग और गारमेंटिंग सेगमेंट्स में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ये भी एक इशू है क्योंकि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा नहीं है तो छोटी छोटे स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है। और कॉटन टेक्सटाइल जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, जो हमारा बेस है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बेस है कॉटन टेक्सटाइल, उसके जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो घट गए। अब इसके रीजंस क्या हैं, जो ये स्लो ग्रोथ हो रही है इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस, पहला रीज़न ये है कि ग्लोबल डिमांड घट गई, तो डिमांड ही घट गई तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे तो इम्पैक्ट आएगा ही ना। रुपी, अगर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रुपी, अब रुपी डॉलर के मुकाबले इम्प्रूव हो गया, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर रुपी स्ट्रेंथ होता है तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, और अगर रुपी गिरता है, रुपी डीवैल्यू होता है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। तो रुपी की जो कंडीशन है उसके इम्प्रूव होने से भी हमारे एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर मशीनरी यूज़ हो रही है, पुअर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इकोनॉमिक स्केल्स नहीं हम अचीव कर पा रहे, तो इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक हर्डल है हमारा जो एक्सपोर्ट घट रहा है उसमें, ठीक है। इंडस्ट्री सेगमेंटेड है, ठीक है, इंडस्ट्री सेगमेंटेड का क्या मतलब है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 75% जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज है, छोटे 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 हिस्सों में पूरे इंडिया में बटा हुआ है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच नहीं है, तो हमें क्या चाहिए कि एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए हमारी, जिससे हम ये कर सकें कि एक क्लस्टर में सारा काम किया जा सके और उसके थ्रू ही एक ही जगह पर अलग 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 इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके, ठीक है। अब कई जो प्रेफरेंशियल टैरिफ्स हैं वो इंजॉय करती हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इन्होंने काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ से, तो इससे हम डिसएडवांटेज में आ जाते हैं क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा इंडिया को कम्पीट कर रही हैं। और जो मैन मेड फाइबर है, अब ज़्यादा डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में मैन मेड फाइबर प्रोडक्ट्स की है, तो इंडिया में मैन मेड फाइबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ग्लोबली 65% जो क्लोथिंग कंजम्पशन है वो मैन बेस्ड फाइबर की है, और मैन मेड फाइबर जो है उस पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा अगर कॉटन फाइबर की मैन मेड फाइबर पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाया तो हमारा जो कॉटन फाइबर इंडस्ट्री है उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लिए हम मैन मेड फाइबर पे लगाते हैं, उसी वजह से हमारे यहाँ मैन मेड फाइबर का कपड़ा बन नहीं रहा, और जिस चीज़ की डिमांड है वो हमारे यहाँ बन ही नहीं रहा तो एक्सपोर्ट कमी होगा ना। अब पीएम ने भी कुछ बातें करी, पीएम गए थे वहाँ पर एड्रेस करने टेक्सटाइल इंडिया 2017 को, तो वहाँ पर पीएम ने कुछ बातें करी। सबसे पहले तो हमने ये कल भी डिस्कस किया था, जो पीआईबी एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था, ये वो सेम स्लाइड है, तो आप वो न्यूज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी पीआईबी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट सोर्स है, तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि गवर्नमेंट सोर्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जो पीएम ने क्या बोला, पीएम कहते हैं कि जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम है उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रो किया जा सकता है, तो पीएम ने एग्जांपल देते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के अंडर जो अलग अलग स्कीम्स शुरू की हैं, जैसे स्किल स्केल स्पीड। अब स्किल स्केल स्पीड में क्या है कि स्किल इम्प्रूवमेंट करेंगे, स्केल बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक स्केल गेन करेंगे, और स्पीड से प्रोडक्शन होगी, स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट में क्या है कि जो हम प्रोडक्ट्स बनाएं उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी ज़ीरो हो और डिफेक्टिवनेस हो जो वो कम हो, जिसकी वजह से जो कंपनी की इकोनॉमी है वो इम्प्रूव करेगी, ठीक है। उसके बाद पीएम ने कुछ फैक्ट्स बोले कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड मैन मेड फाइबर, अबाउट अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट, लेबर पीएम ने बोला कि हमारे पास अवेलेबल है रीजनेबल कॉस्ट पे, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। हमारी जो जनता है, हमारी जो जनता जनार्दन है इंडिया की, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो क्लॉथ्स की डिमांड का और इनकम का जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है,
कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इनकम बढ़ती है तो आदमी और ज़्यादा क्लॉथ्स डिमांड करता है, और ज़्यादा अच्छे क्लॉथ्स की डिमांड करता है। तो पीएम ने कहा कि डिस्पोजेबल इनकम हमारे यहाँ बढ़ रही है तो इंक्रीज डिमांड होगी, तो ये बहुत अच्छा मौका है इस डिमांड का फ़ायदा उठाने का। एक और बात जो पीएम ने कही कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर जो टेक्सटाइल सेक्टर है, हमें चाहिए क्या स्किल डेवलपमेंट, डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। और पीएम ने कहा कि जो क्लॉथिंग डाइवर्सिटी है इंडिया की उसको हमें मैप करने की ज़रूरत है, जो ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं उनको रियल टाइम बेसिस पे मैप करने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें हमने पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। क्योंकि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या क्लॉथिंग इंडस्ट्री से कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका फंस जाता है मीन्स में, और प्री के भी काफ़ी सारे फैक्ट्स इसके अंडर ही कवर्ड हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप वो पीआईबी एनालिसिस ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें किया क्या जा सकता है, दोबारा से वही बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एक्सपोर्टर्स को इनक्रेज करेंगे, सेम थिंग्स हैं इस पे। उसके बाद जो आज एक न्यूज़ थी, इंडिया इन 88th प्लेस इन मनी हॉर्डेड इन स्विस बैंक्स। स्विस बैंक ने जो अपनी है वो एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें उन्होंने इंडिया को 88th रैंक किया है जो ब्लैक जो मनी है स्विस बैंक में पड़ी कंट्री वाइज, तो इंडिया को उसमें 88th पोजीशन मिली है। यूके जो है उसमें टॉप करता है। तो इसमें दिखाया गया है कि जितना पूरी दुनिया में से जो पैसा स्विस बैंक्स में पड़ा है, इंडिया का पैसा सिर्फ 0.04% है उस टोटल पैसे का। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी दुनिया, हमारा जो पैसा है वो काफ़ी कम पड़ा है। स्विस बैंक ने ये शुरू किया था जो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बिटवीन स्विट्ज़रलैंड एंड इंडिया टू हेल्प चेक द ब्लैक मनी, मैंने एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ये स्विट्ज़रलैंड ने शुरू किया था। जो ये फंड्स हैं ये ऑफिशियल फिगर्स हैं अब कि भाई हमारे पास पैसा इतना पड़ा है तुम्हारा, ठीक है। अब लेकिन इसमें उन्होंने इसमें ये बातें नहीं हुई कि ये पैसा ब्लैक है या वाइट है, उन्होंने तो ये कह दिया इंडिया का इतना पैसा हमारे पास पड़ा है। अब वो वाइट भी हो सकता है किसी का, कोई आदमी शरीफ भी होता है उसने स्विस बैंक में वैसे ही डाल दिया हो। तो ये सिर्फ ये बताता है कि पैसा इतना पड़ा है, ये ब्लैक मनी के बारे में कुछ नहीं बताता। एक छोटी सी न्यूज़ और थी जो आप अपने अगर कहीं घुमा के अगर अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, पेटीएम डिजिटल गोल्ड। पेटीएम ने क्या किया, अपने कस्टमर्स को एक स्कीम दे दी कि इन्होंने पार्टनरशिप की MMTC PAMP के साथ, सरकारी है। तो इन्होंने क्या किया कि आप कस्टमर को ये कह दिया कि आप हमारे जो हमारा डिजिटल ऐप है उस पर आप गोल्ड खरीद सकते हो। गोल्ड खरीद सकते हो का मतलब डिजिटल गोल्ड, नॉट एक्चुअल गोल्ड। जैसे कि हमारे गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही पेटीएम ने कहा कि हम आपको गोल्ड, मतलब आपने बाय किया तो आपके अकाउंट में हमने इतना गोल्ड डाल दिया, ठीक है। उस गोल्ड पे जब भी आप वो गोल्ड बेचना चाहोगे तब हम आपको या तो ओरिजिनल गोल्ड देंगे, ठीक है, आपने ऑनलाइन ख़रीदा आप ऑनलाइन ही उसकी सेल कर दो जैसे हम शेयर परचेज सेल करते हैं, या फिर हम आपको उतना ही गोल्ड देंगे आपके घर पहुंचाएंगे। कंडीशन ये है कि गोल्ड जितना घर पहुंचाना है वो 1 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कि गोल्ड का जो बड़ा इशू चल रहा था जिसके लिए हमने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऐसी स्कीम्स जो निकाली थी उसको कर्ब करने के लिए एक जो प्राइवेट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट एक बॉडी के साथ मिलकर ये बनाया गया ताकि जो गोल्ड जो फिज़िकल गोल्ड रखने की लोगों की आदत है वो कम की जा सके और उस पैसे को अच्छे से मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सके। तो इतना ही था हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं फटाफट से एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या था। आज हिंदू के फ्रंट पेज में एक न्यूज़ थी, एरोसोल्स श्रिंकिंग इंडियन मॉनसून। तो क्या है इसमें, एरोसोल्स क्या होते हैं, एरोसोल्स वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं टाइनी पोल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, व्हीकुलर एग्जॉस्ट, हाफ बर्नड क्रॉप, डस्ट, केमिकल, ठीक है। तो ये एरोसोल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट गैसेस, गैसेस नहीं होते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो व्हीकुलर एग्जॉस्ट, हाफ बर्नड क्रॉप, डस्ट और केमिकल इनसे बनते हैं। तो ये स्टडी की थी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। अदर उन्होंने बाकी रीजंस भी बताए कि जो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं एरोसोल्स के अलावा, वो हैं ग्रीन हाउस गैसेज, चेंज इन फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर कवर, ठीक है।
जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट कवर हम कम करते जा रहे हैं दिन पर दिन अपने घर बनाने के लिए, वो सब। तो साइंटिस्ट ने कहा कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो ये एरोसॉल्स हैं इनके अराउंड ना जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस करता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं। बादल क्या करते हैं, जो अर्थ की सनरेज हैं उन्हें रोकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा मानसून है वो कैसे बनता है। मानसून नॉर्थ इंडिया जो होता है वो हीटअप हो जाता है, और कंपैरेटिवली जो हमारा इंडियन ओशन होता है सदर्न पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली कूलर होता है, जिसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से इंडियन ओशन में वेव्स राइज होती हैं और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो वो जो विंड्स होती हैं वो अपने साथ इंडियन ओशन का वाटर वेपर लेके आती हैं अरेबियन सी का, और तब हमारे यहाँ पे रेन होती है। तो उन्होंने कहा कि जब हीटिंग ही नहीं होगी, ऊपर बादल बन जाएंगे, नीचे ज़मीन नहीं हीट होगी, तो वो मानसून जो विंड पैटर्न है वो बनेगा नहीं, तो जिसकी वजह से ये मानसून को जो है एरोसोल्स श्रिंक कर रहे हैं। उसके बाद बर्ड डाइवर्सिटी एरियाज़ इन केरला, तो 9 बर्ड डाइवर्सिटी एरियाज़ केरला में आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। अब केरला के जो 13 हैं इम्पॉर्टेंट केरला में अब कुल 13 इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं इन 9 के ऐड होने के बाद। ये जो लिस्ट थी ये रिलीज़ की थी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, अ पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ एनजीओ जो बायोडाइवर्सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके लिए काम करती है। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जुड़ी हुई हैं एज अ पार्ट। वैसे ही इंडिया की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसके लिए काम करती है, जो भी इंडिया में सर्वे करना होता है या रिपोर्ट निकालनी होती है तो इसके बिहाफ पे जो है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी निकालती है। ये भी कोई सरकारी सोसाइटी नहीं है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट। तो IBA जो है वो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस वाले एरियाज़ को जो वो कवर करता है। केरला के जो IBAs हैं ये इसमें 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है। वाइटर अम्प्ट वल्चर, इंडियन वल्चर और रेड हेडेड वल्चर, ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। आजकल UPSC को बहुत शौक है पूछने का कि ये एनिमल एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये है वो है, इंडिया में मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपके 3 ये पंछी कवर हो गए, ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं और तीनों केरला में मिलते हैं, ठीक है। तो केरला में रिपोर्ट बोलती है कि केरला में जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है केरला के एरिया में प्लांटेशन और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। पॉलिसी मेकिंग में देख लेते हैं अब क्या है हमारे पास। पॉलिसी मेकिंग में आज एक ये आर्टिकल था जो द हिंदू में था, तो उसमें जेंडर ट्विस्ट टू H1N1 विक्टिम्स इन महाराष्ट्र, इनका ये कहना था इस आर्टिकल में जो ऑथर है उसका ये कहना है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है H1N1 वायरस से, ठीक है। जो वुमेन की डेथ हुई है महाराष्ट्र में अभी H1N1 वायरस फैला हुआ है थोड़ा, तो जो वुमेन है वो ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, उनको ज़्यादा लगता है ये H1N1, और इसी वजह से जो डेथ होती है वो भी वुमेन की ज़्यादा होती है इस वायरस की वजह से। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि H1N1 वायरस होता क्या है। H1N1 वायरस को स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन, ये सबसे पहले पिग्स में हुआ था, ठीक है, और एक्सट्रीमली रेयर होता है, और इसके जो प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन इसकी डेवलप हो चुकी है, ट्रीटेबल है, इजीली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब इसके ये स्प्रेड कैसे होता है, एयरबॉर्न, स्किन टू स्किन, सलाइवा, टचिंग अ कंटेमिनेटेड सरफेस, इन सब चीज़ों से स्प्रेड होता है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, फीवर, कफ, सॉर थ्रॉट, चिली, वीकनेस, बॉडी एक्स, चिल्ड्रन, प्रेगनेंट वुमेन एंड एल्डरली आर एट रिस्क फ्रॉम सिवियर इन्फेक्शन, ठीक है। अब पेन एरिया क्या होता है, मसल्स में होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है। तो आप देखें हाई रिस्क ग्रुप में हमने देखा चिल्ड्रन आ गए, सीनियर सिटीजन आ गए, प्रेगनेंट वुमेन्स आ गई, ठीक है, और डायबिटीज़ डिजीज़ होती है जिनको, वो सब लोग आ गए, तो ओबीस पीपल वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इससे। स्टाफ जो नर्सिंग होम में स्टाफ होता है जो ऑपरेट करता है, जो ट्रीट करता है इस वायरस से इन्फेक्टेड पीपल को जो हॉस्पिटल में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं। तो WHO ने भी ये माना है, अगर आप साइड में जो हाईलाइटेड न्यूज़ गिवन है इसको ध्यान से पढ़ें, तो WHO ने भी ये कहा है कि हाँ ऐसा होता है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा रिस्क पे होती है जहाँ पे भी H1N1 वायरस ब्रेक करता है,
लेकिन ये जोग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होता है, ऐसा WHO ने कहा। उसके बाद ये आज आर्टिकल था, तो आर्टिकल की जो थीम थी वो ये थी कि एजुकेशन, जो रूरल एरिया में एजुकेशन है उसका क्या हाल चाल है, उसके ऊपर बात हुई थी। तो जो ऑथर हैं इसके वो हैं हमारे कृष्ण कुमार, ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं NCERT के। तो सर का क्या कहना है, कृष्ण कुमार सर का क्या कहना है कि जो रूरल एरिया है वहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, रूरल अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ब्रेन ड्रेन होने का कारण क्या है हम सब जानते हैं, अब बहुत जगहों पे बहुत बार रिपीट होता है ये सब, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो वहाँ पढ़ लिख जाता है या अगर कोई नहीं भी पढ़ लिख जाता तो वो सोचता है कि हम वहीं जाके देखेंगे, वहीं अच्छी ज़िंदगी है। ठीक है सर, बात करते हैं कोचिंग, जो दुकानें खुली हुई हैं कोचिंग की, हम भी अक्सर मैं भी आपसे बातें करता रहता हूँ, जो कोचिंग की दुकानें खुली हुई हैं, जो IAS की पढ़ाई कराते हैं या जो SSC की पढ़ाई कराते हैं उनकी जो दुकानें खुली हुई हैं, तो सर कहते हैं कि ये कुछ नहीं प्रोवाइड करता कोई, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सीख जाते हैं, ये ऐसा होता है कि एक आदमी दुखी है तो दूसरा आदमी उसके दूसरा दुखी आ रहा है उसके पास आ जाता है, तो दोनों आपस में अपने दुख बांट लेते हैं। ठीक है, अब एक IAS की तैयारी करने वाला बच्चा इंस्टीट्यूट में जाता है, दूसरा IAS की तैयारी करने वाला मिलता है, हाँ भैया तूने कितने अटेम्प्ट दिए, मैं 2 दे चुका, अरे यार मैं अभी 2 दे चुका अभी तक कुछ नहीं बना, वो फिर आपस के दुख मिल जाते हैं, फिर उसको दोनों को लगता है कि हाँ हाँ मैं अकेला नहीं हूँ जो 2 अटेम्प्ट दे चुका फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो और कुछ काम नहीं आता इनका। अब सर कहते हैं कि जो एजुकेशन का पुअर स्टेटस है रूरल एरियाज़ में उसका रीज़न क्या है, एक तो जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज़ में वो बिल्कुल निगलेक्टेड है, आप देखेंगे वॉशरूम्स नहीं हैं, दीवारें पेंट नहीं होती, बैठने के लिए बेंचेस नहीं हैं, तो रिसोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं रूरल एरियाज़ में। दूसरी बात सर कहते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिनमें क्या होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे तो हैं जो रूरल एरियाज़ में, उनको तो सिलेक्ट कर लिया जाता है, उनको सिलेक्ट करके स्कॉलरशिप वगैरह दे दी जाती है, उनको अर्बन एरिया में किसी अच्छे स्कूल में या स्कॉलरशिप दे के बाहर भेज दिया, जो बाकी के बचे बच्चे कि भाई उनका तो टैलेंट हाईलाइट हो गया उनको तो भेज दिया, जो बाकी के बचे उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है स्कूल का, वॉशरूम तक नहीं है स्कूल में। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम जो सर डिस्कस करते हैं कि जो हमारी खुद की जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें हम क्या दिखाते हैं कि जो मॉडर्निटी है दैट इज़ लिंक्ड विद सिटी लाइफ, कि अगर तुम मॉडर्न हो तो तुम शहर में रहते हो और अगर तुम थोड़े बैकवर्ड हो तो तुम रूरल एरिया में रहते हो, कहते हैं ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसकी वजह से भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि रूरल एरिया वाले को भी ऐसा लगता है यार मैं बैकवर्ड हूँ, मैं भी मॉडर्न हूँ, मैं शहर में जाकर रहूँगा। तो ये सब इसमें डिस्कस किया। उसके बाद ये दूसरा काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल था आज न्यूज़पेपर में, इसकी जो थीम थी वो पॉवर्टी से रिलेटेड थी, तो जो ऑथर्स हैं, 2 ऑथर्स हैं इसके, तो इन मैम का कहना है कि जो हमारी कंट्री है उसमें पॉवर्टी को सिर्फ इनकम के बेस पे जज किया जाता है, जबकि उसको और भी दूसरे बेसिस पे जज किया जाना चाहिए जिसमें क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो जिन पे पड़ रहा है, क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो भी एक बेस होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या बातें करते हैं। तो मैम का कहना है कि काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं अब वो ऐसा नहीं मानते कि इनकम से ही जज किया जा सकता है कि बंदा पुअर है या नहीं है, तो मैम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बंदे के पास एसेट्स तो हों, पैसा तो हों, लेकिन फिर भी वो पुअर हो, जैसे किसी के पास कोई उसको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पा रही है, पुअर रिसोर्स, पैसा है लेकिन न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है उसकी, तो वो भी पुअर उसमें काउंट होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इंडिया जो है वो इनकम बेस को ही यूज़ करता है टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी। तो एक हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन, उन्होंने भी हाईलाइट किए हैं जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं पॉवर्टी की, जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस इन सोसाइटी, एनर्जी एक्सेस वगैरह। तो जो कंट्रीज़ हैं लाइक मैक्सिको, चाइल्ड, इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है, इसको ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है, तो इसमें सिर्फ इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, उन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है टू डिटरमाइन पॉवर्टी। और अगर कोई बंदा जो सारे इंडिकेटर्स हैं जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी में यूज़ होते हैं, अगर उन सारे इंडेक्स के 1/3 में वो पुअर निकलता है, डिप्राइव्ड है वो उन 1/3 इंडिकेटर्स में, तो उसको पुअर माना जाता है। एक MPI किया गया था इंडिया में, तो सरकार ने नहीं किया था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ने,
तो उसके हिसाब से जो इंडिया की पॉवर्टी निकलती है 41% निकलती है, और जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से सिर्फ 23% लोग पुअर हैं इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप है। मैम का कहना है कि वैसे ही जैसे हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस इन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पॉवर्टी डिटरमाइन करने में यूज़ होना चाहिए। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बहुत सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फूड शॉर्टेज, डिजीज स्प्रेड, जॉब लॉस, माइग्रेशन, और इसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो पुअरेस्ट जो लोग होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैम ये भी कहते हैं कि अगर कोई आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो जो गरीब लोग हैं उन्हें नहीं इम्पैक्ट करे। अब आप फॉर एग्जांपल ये कह दो कि आपको एकदम से हो गया कि नहीं हम तो जंगल बचाएंगे, ठीक है, तो जंगल बचाएंगे, आप ये कहोगे कि जंगल जो ख़त्म हो रहा है वो जो ट्राइबल लोग हैं उनकी वजह से ख़त्म हो रहा है, वो टिम्बर वगैरह यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो गलत आपका स्टैंड हो गया ना। वो तो पता नहीं बेचारे हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से आपका फॉरेस्ट नहीं ख़त्म हुआ। फॉरेस्ट आपका ख़त्म हुआ है जो बिग इंडस्ट्रीज़ आप सेट कर रहे हो, जो फॉरेस्ट लैंड आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो बड़े स्केल्स पे, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है मेनली। ठीक है, मैम ने ये बात मानी है कि जो ऐसे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो लोकल लेवल पर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें मैम कहते हैं कि प्लीज़ अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिए, प्लीज़ अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। और उसमें मैम एग्जांपल देते हैं कि आप ये समझिए कि अगर किसी जगह पे जो पॉपुलेशन है किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो पॉपुलेशन जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है बॉडी उससे डिप्राइव्ड है, ठीक है, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये तो देख सकती है कि ड्रॉट अगर पहले से ही न्यूट्रिशियस जो डाइट है उससे डिप्राइव्ड है, तो अगर ड्रॉट आ गया तो और बुरी हालत हो जाएगी, तो वो पहले से अपने आप को खुद को तैयार तो करके रख सकते हैं ड्रॉट कंडीशंस के लिए। ठीक है ना, उसके आगे देखते हैं अब इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में पहला ये एक एडिटोरियल था विक्टोरियन मौसूली, हमने दो तीन दिन पहले अभी करंट अफेयर्स में भी देखा था, जिसमें ये था कि जो ISIS की फोर्सेस हैं उन्होंने मौसूल से विड्रॉ कर लिया है। तो वही सब बातें हैं, इसमें कुछ खास बातें नहीं हैं। तो आप मेरी जो पिछली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री सर की इसराइल में विजिट है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के जो इसराइल जाएंगे। आज से पहले 1947 से लेकर 2017 तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल विजिट नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिक विजिट्स हैं जो भी डिग्निटरीज ने किए हैं, तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया ना, उसके अलावा जो कोई प्रेसिडेंट गए हैं हमारे या जो भी है वो इसमें लिखे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इस बार ये है कि जब प्रधानमंत्री इसराइल जाएंगे तो वो पैलेस्टाइन नहीं जाएंगे, नहीं तो जनरली क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री या कोई भी डिग्निटरी जो है वो इसराइल जाता है तो वो कहता है चलो पैलेस्टाइन भी हो आते हैं, तो प्रधानमंत्री और पैलेस्टाइन नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो अप्रोच है इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू की तरफ कि दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। हाँ, इंडिया पैलेस्टाइन का जो सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन को फॉर अ डिफरेंट लैंड, लेकिन उनका ये कहना है कि हम ऐसे दोनों को लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल के साथ हमारे अलग रिलेशंस हैं और पैलेस्टाइन के साथ हमारे अलग रिलेशंस हैं। उसके बाद देखिए कतर में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, और कतर और बाकी गल्फ कंट्रीज़ की, बाकी गल्फ कंट्रीज़ का ये कहना है कि कतर में काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कतर में, तो बाकी कंट्रीज़ ने उन्हें कुछ डेडलाइंस दी हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कतर ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है ये न्यूज़ क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ ने, बाकी की गल्फ कंट्रीज़ ने ये बोला है कि अगर कतर नहीं मानता तो हम उससे सब ट्रेड और वो सब ख़त्म कर देंगे, और हमारे बाकी जितने के ऑयल और जो गैस ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अगर वो कतर के साथ ट्रेड करेंगे तो हम उनके साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे। और इंडिया कतर से काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो अगर ऐसा बैन लग गया तो इंडिया कतर से ऑयल नहीं इंपोर्ट कर पाएगा। अगर इंडिया कतर से ऑयल इंपोर्ट करेगा तो इंडिया बाकी गल्फ कंट्रीज से ऑयल नहीं इंपोर्ट कर पाएगा, तो ये एक इशू है। उसके बाद बेलारस का इंडिपेंडेंस डे था, तो प्रेसिडेंट ने अपनी विशेज दी थी, तो बेलारस देख लेते हैं, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है, बेलारस देख लेते हैं।
यूरोपियन कंट्री है, बॉर्डर करती है रशिया, यूक्रेन, मल्डोवा, ठीक है, उसके बाद हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया को, और लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फैक्चुअल सी न्यूज़ है, एक बुक निकाली गई है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन, और ये बुक निकाली है द स्टेट्समैन ने। द स्टेट्समैन जो है वो हमारी कंट्री का एक बहुत ही पुराना जो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, इंडियाज़ ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, तो उन्होंने एक बुक निकाली है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन। उसके बाद एक और फैक्चुअल सी न्यूज़ है, GSTN ने, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, उन्होंने एक एक्सेल टेम्पलेट निकाला है टैक्स पेयर्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपनी इजी पैटर्न में टैक्स जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो कर पाएँ और इजीली उनको अपडेट कर पाएँ GST पे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही था PIB और द हिंदू एनालिसिस में से। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें अपडेट्स के लिए, और फ्रेंड्स एक आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज़ अभी चल रही है अपनी YouTube पे, तो उसको देखें आप, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच।